मेरी हेल्थ कुछ खास नहीं है, वैसे भी खास होती नहीं है, आज कुछ ज्यादा ही खास नहीं है। सर्वाइकल का दर्द काफी ज्यादा हो रहा है और पेट की भजी पड़ी है। आज मैं ब्लॉग इसलिए कर रही हूँ देखने के लिए कि एकदम जबरदस्ती वाला ब्लॉग कैसे बनता है, मतलब कि एकदम जब मेरे को मन ना कर रहा हो, एकदम मतलब बस जब बस रोने का मन कर रहा हो तो तब ब्लॉग कैसे बनता है बिना रोए। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक तो आज मैं उठी लेट और बाहर जाके देखा खाने कुछ है नहीं, मम्मा स्कूल चले गए और मेरे लिए कुछ बना के नहीं है, और फुल्का खाने वाली मेरी सेहत है नहीं, मेरा पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मैं अपने लिए खुद ही खिचड़ी बना लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ खुलते क्या क्या डब्बे हैं यार, ये खुलते भी नहीं है। दाल मिल गई, मैं इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving, I need your loving. Need myself in enough. If I think I got to a crushing heart, I want you to know how bad it hurts. You can't be beside a love my heart. Oh, ladki, iska wo thootha dekhega na, iske muh mein band karne wala. Oh, ladki, muh kahan pe hai iska? वो नहीं, उसको ढक्कन बोलते हो। इधर देख, इधर ये करते हैं। क्या क्या दिक्कत है यार, तू क्या गिर रहा है डंगर, बैठ अंदर चुप करके। हो जा बंदे हाथ से, हो जा ब्लॉगर हूँ मैं भाई, दो हाथ तो नहीं इस्तेमाल करूंगी हर चीज में। जब तक खिचड़ी बनती है मैं ब्रश कर लेती हूँ, तीन बाद में दूंगी। कोई बोलता है कि आपने 3-4 महीने से ये ब्रश रखा हुआ, चेंज करो। यू इसमें यू क्या भाई, मैं तो साल ये 3-4 महीने तो आप ब्लॉग में देख रहे हो इसको, इसको तो कोई साल से ऊपर हो गया ब्रश को। जब तक ब्रश का आगे से मुंह ऐसे ऐसे ना हो जाए तब तक हम ब्रश छोड़ते नहीं है। ब्रश करके मैं जितनी थक जाती हूँ ना, मतलब ब्रश करते करते ये बाजू जी दुखती है सर्वाइकल की वजह से। सर्वाइकल ना होना लाइफ बहुत इजी हो जाए यार, इसलिए मैं ब्रश और मुंह धोने के बीच में गैप रखती हूँ ताकि थोड़ी रिकवर हो जाऊँ, फिर उसके बाद रिकवर उसके बाद मुंह धो। अच्छा जी, कसम से हो क्या, तो मेरे बेड पे क्यों लेटा है, चल नीचे अपने बेड पे जा, जा अपने बेड पे। ओए सुंदरी मुंदरी, चल नीचे जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, यहाँ पे सुनता नहीं है, अपना बेड समझ के बैठा हुआ है। तो मेरे पास ट्राइपॉड आ गया है इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ योगा वगैरह। इस लड़के को राजू ने बोला कि ईशु के लिए सब्जी लेके आ, वो सब्जी खाएगी, छुप के रहा है और इसने नहीं लाई। सनबत ले लेती हूँ, उसके बाद खिचड़ी बन जाएगी, फिर खाऊंगी। ओ देखने चिंटिस को कहाँ ले जा रही है, आई थिंक वो बेहोश होगी, इसको हॉस्पिटल ले जा रही है। पर आगे तो मैं बैठी हूँ, कहाँ ले जाएगी, दे मैं अंतिम संस्कार कर लेती हूँ। नहीं दफा हो, मेरी छोटी बहन है ये, देखते। ओ कहाँ जा रही है, चटाई के नीचे, पीछे करो चटाई। वो एक और आई, क्या है ना ये मरी है, ये बेहोश हुई नहीं, करके अंतिम संस्कार करी छोटी सी। दे दे मेरे को, मैं अंतिम संस्कार कर देती हूँ। क्या हो गया है बेचारी, क्या सोच रही है यार, चल ले जा इसको, ले जा। अच्छा इसको खाने के लिए ले जा रही है, बदतमी शैतान, ले जा, कोई बात नहीं है, ले। क्या हो गया सुमुरु, डेथ हो गई है इसको, पता है ना ये जिंदा है, उसने अपने टेंटिकल सिलाए नहीं, जिंदा ये खाने के लिए ले जा रही है, खजम खाई। ये देखो कैसे कीड़ा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे भाग रहा है, कौन है ऑरेंज कलर का कीड़ा, ये भी बीमार ही लग रही है। ये देखो इस वक्त ये सारी लड़कियां हैं, क्या बदतमीज है ये, कसम से सबकी नखरे अलग से। मैंने लिक्विड लिक्विड खानी थी यार, इतना पानी ठोका फिर भी नहीं बनी यार, मैंने लिक्विड खानी थी, बस ये खाना पच जाए यार, मेरे को लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, और ब्रेकफास्ट के बाद की दवाई खा लेती हूँ। आधी तो खत्म हो गई है, ये जो मैंने पिछले ब्लॉग में लिया था ना, तो ये मैंने थोड़ा सा पानी में डाला है, ये देखो कितना सही है ना, अभी बड़े हो रहे हैं, पूरे फ्रॉक्स के अंडे लग रहे, पता है, ये देखो कितने सुंदर है, वाओ। सुबह से बेड पर लेटती हूँ तो कुछ शूट ही नहीं किया, उसके बाद 4:30 हो रहे, अभी तक मेरे 100 व्लॉग हो गए ना पूरे, इससे पहले
तो मतलब डेली व्लॉगर्स होते हैं वो तो रोज डालते हैं ना, उनके तो 365 ब्लॉग्स हुए होते हैं, कहाँ 300 समथिंग ब्लॉग्स, कहाँ 100 ब्लॉग्स, है ना। पर ये 100 ब्लॉग्स जो है ना एक साल में जो मैंने डाले, मेरी बहुत मेहनत है, कि मेरे को पता है मैंने किन किन सिचुएशन में व्लॉग किया है, कितनी बीमारियों के होने के बावजूद मैंने व्लॉग किया है, मतलब बड़ी मुश्किल से किया है। कभी हफ्ते में एक आता है, कभी 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 तो महीने में एक आता था। तो सुबह उठ के मैंने आज का दिन देखा, आज 8th of November है, तो आज से ठीक 2 साल पहले मैंने डायरी लिखी थी, तो मैंने अभी सुबह उठ के पढ़ी, क्योंकि मैं देखना चाहती थी आज से 2 साल पहले मेरी लाइफ कैसे चल रही थी, क्योंकि तब तो मैं व्लॉग करती नहीं थी ना। इस दिन मैंने 2 साल पहले डायरी लिखी थी और ये मैंने पूरा पढ़ा भी। अगर आप चाहते हो कि मैं पढ़ के सुनाऊं तो फिर मटेरियल डायरी में ऐड करूंगी। मतलब यहाँ पे मैं बीमार हुई थी ना जब, तो इस टाइम मैं अमृतसर में अकेली थी, पीजी में अकेली थी और काफी ज्यादा बीमार थी। इस टाइम मैंने सोचा था कि 2 साल बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगी, आज 2 साल इस चीज को पूरे हो गए। मतलब फिजिकली तो कुछ ठीक नहीं हुआ, पर मेंटली काफी कुछ ठीक हो गया। तब मैं ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं बीमार हूँ, मैं इतनी ज्यादा बीमार क्यों हूँ, तो अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब यह है कि जब भगवान चाहेगा तब ठीक हो जाऊंगी। ये मैंने लास्ट में लिखा था कि इतना गिराओगे भगवान जी, खत्म ही कर दो एक बार में, धीरे धीरे क्यों खत्म कर रहे हो, बस यार जान है तो जान है, जान नहीं तो कुछ नहीं। इस टाइम मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2 साल बाद भी इतनी ही बीमार रहूंगी, मतलब जितनी मैं तब थी। क्या कर रहे हो? देना एक बात बताओ, सुबह मेरे लिए कुछ बना के क्यों नहीं गया? आपको पता है मेरी कितनी हालत खराब है। सुबह मेरे पास टाइम नहीं था ना। टाइम क्या कर रहे हो यार, क्यों नहीं बनाया सुबह कुछ? आपको पता है मेरी कितनी हालत खराब है, कितना पेट खराब है। दाल बनाई हुई थी ना, तोते मूंगी बनाई हुई थी ना। कुछ साथ क्या खाती, मैं फुलका खाती, खिचड़ी बना के खाई मैंने। अभी भी देखना कैसे भाग रहे मेरे से, मेरे से दूर भाग। ठीक है, मैं दुखी हूँ यहाँ पे, और बच्चों को बुलाओ। मैं क्या करूँ, एप्पल और बनाना खाओ ना, लाए हुए ना सर, बना देगी दे दो। पसंद कर रहे केला दे के जाओ यहाँ से। बच्चा मैं क्या करूँ बताना, आप ट्यूशन के मैं स्कूल से आए आगे बच्चे आए हुए थे, बच्चा मेरे से पहले पहुँच गए। काफी लोग बोलते हैं कि हर ब्लॉग में रोती रहती है, कोई एक ब्लॉग बना के दिखा भी ना रोए। अगर आप मेरी जगह होते ना, जितनी मैं बीमार हूँ और जितनी मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जितनी मैं खुश रहती हूँ, आप उतने खुश नहीं रह सकते। मतलब जितनी मैं खुश रहती हूँ, मतलब पिछले 2-3 सालों से एक भी दिन, लिटरली एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब मेरे को दर्द ना हो रहा हो फिजिकली। मतलब एक भी सेकंड भी ऐसा नहीं बीता जब मेरे को दर्द ना हो रहा हो। फिर भी मैं अब खुश रहने की सिवाय तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब दर्द है तो हमेशा दुखी को नहीं रह सकती ना, तो उस दर्द को दर्द में, पर जब तक आप खुद सिचुएशन में ना हो ना, तो फिर समझ नहीं आती है। मतलब लोग तो बड़ी इजिली बोलते हैं अभी चिड़चिड़ी सी है, चिड़चिड़ी क्यों है, ये कभी देखा है? मतलब मैं हर ब्लॉग में चिड़चिड़ी होती हूँ ना, थोड़ी बदतमीजी करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, पर कोई इंसान अगर जो 3-4 साल से बीमार हो ना, सिर्फ उसको पता है कि उस पर क्या बीत रही है, और उसको पता है कि वो कैसे खुश रह रहा है इतने पूरे टाइम में भी। और आई एम सो हैप्पी कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं जब ये वीडियो डालूंगी, उसके बाद शायद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स। चुमू यार, खाने वाली चीज थोड़ी है, इससे तुम्हारी पॉटी साफ करते हैं, सारा बिखेरा हुआ इसने। ये देखो, ये है जिससे चुमू की पॉटी साफ करते हैं, गद्दा के बीच वाला। चुमू आपका बोर्ड घर के बाहर लगा ले ऐसे? हाँ लगा दो, ऐसे भी लोग डरते तो है नहीं मेरी शक्ल देख के। या फिर यहाँ लगा दो, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, लगा दो। ओए मम्मा की सुंदरी, ओए मम्मा के लड्डू, ओए मम्मा के लड्डू, ओए मम्मा के लड्डू। जगह जगह फेंको मैं चुमू। नहा लेती हूँ, थोड़ा बेटर फील करूंगी फिजिकली मेंटली भी। गरम गरम पानी से नहाओ ना, आधी प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है, पता है? अभी नहा के देखती हूँ, अगर अच्छा फील किया तो फिर मैं आपको बताऊंगी, आप भी नहाना। ठीक है, और मैंने मुंह ही नहीं धोया आज, क्या कल भी नहीं धोया था, परसों धोया था मुंह, तभी मेरे को इतने सारे पिंपल्स होते हैं। ये क्या हाल किया चोमू यार, ये क्या हाल किया तूने? सेट 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 कर यार, ये बात पूरा अपना वो पॉटी करने वाला खराब कर रहा, तो इसको मैं ये दे रही हूँ, ले देखना। वाह, वो देखो मून और प्लैनेट कितने सुंदर लग रहे हैं। जब आईफोन आ जाएगा ना, जूम कर करके दिखाऊंगी ऐसे। ठीक है, तो मैं नहा के आ गई और काफी अच्छा लग रहा है, काफी फ्रेश फील हो रहा है और काफी बेटर लग रहा है। अभी मैं गई थी, मैंने मम्मा और वसु को बोला था कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दो, तो साथ मैंने थोड़ी सफाई की। सफाई क्या की, दिख नहीं थी वैसे। ये जो है कबाड़ सारा, ये भी साफ करूंगी, वो पीछे कपड़े टंगे हैं वो हटाने, ये जगह मैंने आज साफ की, ये भी जगह साफ की, पर कुछ साफ लग नहीं रही, इसको थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा रूम थोड़ा साफ कर लूं, थोड़ा और बेटर लगेगा। चल मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इसको खुश कर रहा था। वीडियो नहीं बन रही, ओह शिट यार, बन रही है वीडियो। ए
दीदी ब्लॉग के पहले कैसे बैठते ब्लॉग के बैठते फेक है ये लड़का फेक है ब्लॉग में ऐसे बनता था अच्छा मैच्योर ऐसे ऐसे ये रियल में ऐसे दीदी ऐसे करते वसु दीदी अरे बहुत जगह साफ करना वसु वाला कॉर्नर में काम कर सुन मेरी बात रुक जी यहाँ पे कुछ रखने के बहुत गंदा ये देखो हमको मिल गया यहाँ पे सजाने के लिए चुमू के बाद हो जाएगा चुमड़ू के बाद क्या है मेरी काजू कतली है ये दो डब्बे खाए ना तुमने बाहर चुपड़े हुए थे नहीं खा ले मैं बोल रही हूँ नहीं खाया दुखी हो जाएगी फिर बाद मैं दुखी नहीं कि सोया को सब्जी नहीं लगी थी सोया हुआ था तो उठने के बाद भी आदमी ने बोला कि सब्जी लगे तूने मेरे को नहीं लगी थी तो नहीं लगी थी बहुत बदतमीज़ लड़का है कैमरे के आगे शरीफ बनता है आज मैं बिल्कुल शरीफ नहीं हूँ आपको लगता है पार्ट डालेंगे देख सकते हो डालूंगी ये पार्ट मैं गुंडा हूँ गुंडा कोको डाउन कहते हैं मुझे रिकॉर्ड चलिए रिकॉर्ड हो रहा है चल दबाओ यहाँ से ये देखो मेरी सॉक्स क्यूट है ना इसके ऊपर वो बनाया फ्रॉक बनाया मसू पहले वो ये जगह साफ कर मोटी मोटी पहले सफाई करते हैं ना मैडम ये मोटी मोटी गिटार है नहीं लाया हुआ यार बता दे तुम अगर किसी को ये गिव अवे कर दूं गिटार 1 लाख पे 100 के सब्सक्राइबर में ये गिव अवे करना चाहिए कमेंट करके बताओ आपका ड्रेस मुंदरू मम्मा की लाटो ये तेरे कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरा कपड़ा कौन सा क्या कर रहे तेरे कपड़े एक ट्राउजर तो है बहुत कपड़े ये देख ये किसका कपड़ा है मेरे कपड़े में तू लोग गन डाल के जाते हो फिर ब्लॉग में लोग मेरे को गालियां देते हैं कि तेरे कमरे में गन पड़ा होता है दो कपड़े मेरे निकले और कोई एक गंद बता दो मेरा ये किसका ये आपका ही है जी ये अच्छा जी ये किसकी है स्कूल की जैकेट हाँ तो किसकी है ये कपड़ा निकल गया तो क्या होगा कितना आधा सामान तुम्हारा होता है मेरे कमरे में देखो हंड्रेड के फिर उनकी सफाई क्यों पता है यार काफी लोग बोल रहे थे आप बहुत गंद मचाते हो तो आज दुख लग गया थोड़ा सा नहीं दुख नहीं लगा तो मतलब मेरे को सफाई का बहुत शौक है लेकिन ये है कि मैं सफाई कर नहीं पाती यार मतलब सफाई होती है फिर धीरे 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 अपने आप गंद पड़ जाता है मैं कुछ भी नहीं करती अब थोड़ी 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 मोटी मोटी सफाई आज करेंगे फिर कल और अच्छी सफाई करेंगे पर मेरे को सफाई इतनी पसंद है ना बस मैं कर नहीं पाती जब बड़ी हो जाऊंगी ना बड़ा दिन बनूंगी ना घर पे 10 नौकर लगाऊंगी 10 के 10 मेरा कमरा साफ करेंगे साइकिल दिख रही है थोड़ा फ्लेक्स करो साइकिल नहीं करो दीदी जो मुँह अंदर तक लेके आएगी हम उसकी पोटी सब करते हैं ये क्या कर रहा है यहाँ पे खाली मिंत्रा वाले इतने बदतमीज है ना ये क्यों ना बोलूं बस बदतमीज तो है ना ये मेरे को कोई 2 महीने हो गए ली हुई किसी और का प्रोडक्ट मेरे पास आ गया और मेरा प्रोडक्ट मेरे पास आया ही नहीं कब से 3-4 बार कॉल कर चुकी हूँ कंप्लेन कर चुकी हूँ वापस ले जाओ मुझे मेरे पैसे दो लेकिन नहीं जा रहे वापस बताती हूँ मैं मिंत्रा वालों को इन फ्यूचर कोई प्रमोशन नहीं करने वाली मिंत्रा वालों की मैं अगर ये ले जाओगे तो कर दूंगी प्रमोशन टाइम लैप्स लगा दूं
फाइनली रूम साफ कर दिया है, दिखाते हो आपको। ये है डॉगीज का डब्बा, इसमें डॉगियों का सामान पड़ा है। ये जगह साफ कर दी, ये जगह साफ कर दी, वो जगह साफ कर दी, ये जगह साफ कर दी। यहाँ पे ये जो बच्चे स्टोन्स लेके गए थे, लड़की एक वो रखा है, मेरा स्टोन रखा है, ये जो मैंने बनाया था ये रखा है। ऐसी चीजें मेरे को बहुत पसंद है यार। ये मैंने बनाया था मंडला आर्ट, देखो कितना सुंदर है। अच्छा ये वस्तु ने आंख बनाई थी। ये स्वेटर के लिए मंगाया, ये डब्बे में दवाइयां पड़ी है, चौमुखी और मेरी भी पड़ी है इसमें। तो ये इसमें मेरे पोटली और फलानी डिमकानी चीजें पड़ी है। ये तार बस जा रही है ना जो यहाँ से, ये बेकार लग रही है थोड़ी, इसका भी कुछ करूंगी। ये जगह देखो बिल्कुल साफ कर दी। यहाँ पे मैंने सिर्फ डायरी रखी है और अपना पेन रखा और बोतल रखी है, दवाइयां पड़ी हैं, ये काजू कतली, ये भी सामान पड़ा है। मोटी मोटी सफाई की है, अच्छे से सफाई और फिर कभी करेंगे, मतलब एक दो दिन बाद करेंगे। ये वाइट एंगल में कमरा देख लो कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है आलीशान मकान लग रहा है बिल्कुल। बस एक अंदर आ गया, इसको उठा के बाहर फेंक रहा है, चली जाओगी नहीं, चल बाहर। वसु ने अपने रूम में फेरी लाइट लगाई है और मेरे रूम में तार, और ये देखना यार इसको कुछ करते हैं यार, ये बहुत गंदा लगता है। ओए दोनों आओ मेरे कमरे में सफाई किया, आके देख जाओ, आओ ना जल्दी, आओ ना, छोड़ो ना इसको, छोड़ो छोड़ो, सभी आते हैं, नहीं नहीं छोड़ो, ठहरना। वाओ पालक का साग बन रहा है आज, कड़म है यार, पालक क्यों नहीं बनाते कभी। मेरे को पालक का साग बहुत पसंद है, अगर मैं कभी आपके घर आती हूँ तो आपको पालक का साग खिला, करेले खिलायो, राजमा खिलायो, पालक खिलायो, मतलब जो मिला वो खिला देना, खिलायो करेला मिला वो खिला देना, पालक भी आपके घर आ सकती हूँ। अच्छा मम्मा आने वाले, मम्मा राजी आके देखेंगे मेरे रूम की सफाई। टन 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 टन, वेरी गुड। हाँ साइकिल हमारी है, इसका नाम हमारी बोलो, हमारी। ये क्या, ये क्या गंद लगा रहा है, वो नहीं आपके पास नैपकिन, क्या बोलते हैं पोना, एप्रन, 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 ठीक है। मस्त सफाई एकदम सुंदर लग रहा है, ये पीछे भी देख लो सारा कुछ साफ है। ज्यादा क्या एक्सपेक्ट किया था, फ्लावर पॉट वगैरह सजे हुए होंगे। ये कबाड़ बॉक्स है, कोको भी यहाँ पे बैठा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं डिनर करने लगी और ब्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि मेरे को खाना पच जाए बस। हूँ तो तेरी आधी से भी आधी ना कमजोर थी, कितनी हूँ मैं, इन्हीं अपनी छोटी बेचारी प्रिंसेस बहन को कुछ ब्रेकफास्ट भी दिया जाए, पर नहीं दवा यहाँ से डर कुत्ता एक थप्पड़ मार रहा है, देखो मैं बाहर आके वहां पे अंदर ठहर, तू बता तू, देखो मैं नकल कर रही, ठहर। किन किन बीमारियों, किन किन बीमारियों बोलना क्या चाहती हूँ मैं, किन किन बीमारियों समझ रहे हो, जब तक पता आप खुद उस सिचुएशन में ना, पता जब तक आप खुद, यार ब्लॉग बड़े बड़े लोग देखते हैं, जब पता नहीं है ब्लॉग में अश्लील बातें नहीं कर सकते। मोटी मोटी सफाई की है, क्या पाँव की खच खच करके चल रही है यार, पूरे ब्लॉग में आवाज आती है, और मेरे रूम में खच खच कर रही है मेरे चप्पलों की।